नया एटीएम कार्ड है जो डेबिट कार्ड होती है उसकी पिन जनरेट कैसे करें, उसे एक्टिवेट कैसे करें। फ्रेंड जनरली क्या होता है, जब हम किसी बैंक में अपना नया खाता खुलवाते हैं, एक नई अकाउंट ओपन कराते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे पास एक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक नया डेबिट कार्ड आ जाता है, एटीएम कार्ड आ जाता है। लेकिन फ्रेंड जब वो एटीएम कार्ड आता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता, चालू नहीं होता, उसे हमें चालू कराना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। तो इसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र जाते हैं, फिर बैंक जाते हैं, उसे चालू कराने के लिए लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन सब लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने एटीएम कार्ड की, अपने डेबिट कार्ड की पिन जनरेट कर पाएंगे, उसे एक्टिवेट कर पाएंगे, उस एटीएम कार्ड को चालू कर पाएंगे, वो भी बड़े आसानी से। फ्रेंड्स तो ये कैसे होगा और कैसे करना है, तो बस इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में 2 घंटों के भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी भरी वीडियो लेकर के आते रहता हूं। फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड आज मैं आपको स्टेट बैंक के एटीएम कार्ड की पिन जनरेट करके बताता हूं। फ्रेंड इसके लिए फ्रेंड आपको अपने फ़ोन के मैसेज ओपन कर लेना है, इसके बाद न्यू मैसेज पे चले जाना है, इसके बाद आपको सिंपली एक मैसेज टाइप करना है, मैसेज पे आपको लिखना है फ्रेंड पिन, फ्रेंड आपको बिल्कुल कैपिटल लेटर पे ही लिखना है फ्रेंड PIN पिन, इसके बाद आपको स्पेस छोड़ देनी है, स्पेस छोड़ने के बाद आपके एटीएम नंबर, एटीएम पे जो नंबर लिखा रहता है ऊपर में, उसमें के आखिरी के 4 डिजिट को यहाँ पर टाइप करना है। फ्रेंड आपको अपने एटीएम को देख लीजिएगा, एटीएम के ऊपर नंबर लिखा रहता है तो उसमें के आखिरी के जो 4 अंक होता है उसे यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद सिंपली स्पेस छोड़कर आपको अपने अकाउंट नंबर की आखिरी के जो 4 अंक को यहाँ पर टाइप करना है। फ्रेंड कुछ इस तरीके से अपने अकाउंट नंबर की आखिरी के 4 डिजिट को यहाँ पर टाइप कर देना है। फ्रेंड पहले आपको अपने एटीएम की आखिरी के 4 डिजिट नंबर को टाइप करना है, उसके बाद स्पेस छोड़ करके अपने अकाउंट नंबर की 4 डिजिट को टाइप करना है, इसके बाद इसको सिंपली इस नंबर पर शेयर करनी है। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर है 567676। फ्रेंड आपको इसी नंबर पर इस मैसेज को सेंड करनी है। फ्रेंड और फ्रेंड आपको उसी नंबर से इस मैसेज को सेंड करनी है जो नंबर आपके बैंक अकाउंट पे रजिस्टर्ड है। फ्रेंड इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो नंबर आपके बैंक अकाउंट पे रजिस्टर्ड रहेगा उसी नंबर से ही इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड और साथ ही साथ उस नंबर पे मेन बैलेंस होनी ही चाहिए। फ्रेंड अगर उसमें मेन बैलेंस नहीं रहेगा तो मैसेज नहीं जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से सेंड करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। फ्रेंड वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, आपके पास एक OTP आएगा। फ्रेंड और उसी OTP पे हमारा ATM कार्ड की पिन कोड लिखा रहेगा। फ्रेंड देख सकते हैं हमारे पास OTP आ गई है और इस पर लिखा हुआ है हमारा पिन कोड, यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड और इसके बाद लिखा है पिन कोड में 3575, तो यही हमारे ATM का पिन कोड है। फ्रेंड और ये पिन कोड सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। फ्रेंड तो 24 घंटे के पहले हमें घूमते हुए कहीं पर भी ATM पर जा करके अपने पिन कोड को चेंज कर लेना। फ्रेंड तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ATM में अपना पिन कोड चेंज कैसे करें। फ्रेंड अपने ATM कार्ड की पिन कोड चेंज कैसे करें, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एटीएम कार्ड की पिन कोड को चेंज कैसे करें। फ्रेंड तो इसके लिए सिंपली आपको अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में स्वाइप कर लेना है। इस तरह से स्वाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा, आपको सिंपली बैंकिंग के बटन को दबा देना है, सिंपली बैंकिंग पे चले जाना है। बैंकिंग पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करने को लिए मिल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जा रही है, मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। फ्रेंड इंग्लिश मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके के पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा प्लीज़ इंटर यूर पिन। तो फ्रेंड्स अगर आपका ATM पहले से एक्टिवेट हो चुका है और आपका जो पिन है उसी को यहाँ पर डालना है, और अगर आप नई ATM पिन जनरेशन कर रहे हैं, अगर नई ATM को एक्टिवेट किए हैं, पिन जनरेशन कर रहे हैं, तो OTP के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो हमें OTP मिली रहती है जिस पर हमारा कोड लिखा रहता है उसी ये पिन कोड को यहाँ पर डालना है। फ्रेंड OTP के माध्यम से जो पिन कोड हमें मिली रहती है उसी को डालना है। फ्रेंड वो भी 24 घंटे के अंदर उसको यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली लिखा मिलेगा ट्रांसफ़र डिपॉजिट का, एक प्रकार की इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली पिन चेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, सिंपली पिन चेंज के बटन को दबा देना है। फ्रेंड कुछ इस तरीके से इसके बाद फ्रेंड सिंपली आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। यहाँ पर आपको एक नया पिन कोड डालनी हो 4 अंक की। फ्रेंड अपने हिसाब से कोई भी आप पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी 4 अंक की। इसके बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके फिर आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा प्लीज़ री इंटर योर न्यू पिन, आपने जो नया पिन कोड बनाया है उसी को फिर से यहाँ पर री इंटर करना है। फ्रेंड आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके का खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा योर ट्रांजेक्शन इन बैंक प्रोसेस प्लीज़ वेट, आपको थोड़ी सी वेट कर लेना है, आपका जो ट्रांजेक्शन है जो आप पिन कोड चेंज कर रहे हैं उसे प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको योर पिन हैज़ बीन चेंजेड सक्सेसफुली, आपका पिन कोड चेंज हो गया। फ्रेंड आपका ATM एक्टिवेट हो गया। फ्रेंड
तो इस तरह से फ्रेंड आप नया एटीएम कार्ड की पिन जनरेशन अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर एटीएम कार्ड आपका पहले से एक्टिवेट है तो आप अपने पुराने पिन को चेंज करके नया पिन कोड बना सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके फ्रेंड। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में 1 घंटे को भी दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।